नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्लासिक किस्से में। हिंदी फिल्म दुनिया में 70 के दशक से पहले अभिनेत्रियां बोल्ड किरदार करने से बचती थी, और कभी किसी फिल्म में फिल्म की स्टोरी के हिसाब से कोई बोल्ड रोल किया भी तो फिर वो अभिनेत्री बार बार बोल्ड रोल करने से बचती थी, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि कहीं बार बार बोल्ड रोल करने से बोल्ड अभिनेत्री का उन पर ठप्पा ना लग जाए, क्योंकि उस समय बोल्ड अभिनेत्री होना मतलब बी ग्रेड की अभिनेत्री कहलाता था। वो बात और है कि आज की हर अभिनेत्री बोल्ड अभिनेत्री का ठप्पा लगवाने के लिए किसी भी हद तक गिर रही हैं। खैर, लेकिन 70 के दशक में आते आते बॉलीवुड अभिनेत्रियां बोल्ड रोल में दिखने लगी, और अब ये अभिनेत्रियां बोल्ड इमेज के ठप्पे से भी नहीं घबराती थी। उस जमाने में जीना तमान और परवीन बाबी बोल्ड अभिनेत्रियों की श्रेणी में आती थी, लेकिन उनकी बोल्ड इमेज से उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्हें उस समय बोल्ड रोल के अलावा और भी दूसरे अच्छे रोल भी ऑफर होते थे, तो 70 के दशक के आते आते बोल्ड रोल के मायने भी चेंज हो गए थे। अब बोल्ड अभिनेत्रियों का मतलब बी ग्रेड की अभिनेत्री नहीं कहलाता था। तो आइए एक नज़र डालते हैं 70 के दशक की कुछ अभिनेत्रियों के बोल्ड अवतार पर, जिनमें से कुछ अभिनेत्रियों को बोल्ड रूप में देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। बेशक 70 के दशक की अभिनेत्रियों के बोल्ड रूप को आज के समय की अभिनेत्रियों के बोल्ड रूप से कंपेयर करोगे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी, लेकिन 70 के दशक के हिसाब से ये पिक्चर्स काफी बोल्ड हुआ करती थी। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।